सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, भोपाल से आ रही है। महंगाई के खिलाफ भोपाल में यूथ कांग्रेस का जोरदार तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, पहले से ही तैयारी प्रदर्शन की पूरी कर ली गई थी। दरअसल बड़ा मुद्दा है महंगाई, चारों तरफ से कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, तेल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। और ये तस्वीरें भोपाल से, बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में सड़क जाम, नारेबाजी हो रही है और सरकार की मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों, और महंगाई को लेकर हल्ला बोल और बैरिकेटिंग पर चढ़ते ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद है, सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में भी आपने देखा, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो अब आप भोपाल से तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के यूथ नेता जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं सड़क पर, हल्ला बोल। भोपाल से लाइव तस्वीरें इस वक्त, जोरदार तरीके से प्रदर्शन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है और पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। सुनिए, कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है वहां पर, इनको पीछे करने के लिए, इनको पीछे हटाने के लिए पुलिस को मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। और अब यहां से भागते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इतनी देर से समझाने की कोशिश की कि आपको चोट लग जाएगी, आप पीछे हट जाइए, आप अपना प्रदर्शन कीजिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जब नहीं माने कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के ये नेता, तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। और भोपाल से विपिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, प्रदर्शन हो रहा था लेकिन तस्वीर अब बदल गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कार्यकर्ताओं पर। ये तो बहुत तस्वीर बदल चुकी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद है और लगातार कोशिश कर रहे हैं घिराव करने की। मुद्दा बड़ा है, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर यहाँ पर ये बड़ा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का यहाँ पर देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहाँ से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और ये बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हाउस देने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल करके लगातार लाठी चार्ज भी हुआ है, विपिन, लाठी चार्ज भी किया है यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता वहां पर नेता पहुंचे हुए, लाठी चार्ज भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, लाठी चार्ज की जरूरत बहुत ज्यादा आई गई है यहाँ पर, लाठियों का खदेड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये लगातार कोशिश की जा रही है क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं यूथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता और खुद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ ठीक सामने तरीके से खड़े हुए हैं। लगातार उनको वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो हटने का नाम नहीं ले रहा है, कार्यकर्ता काम से बस नहीं हो रहा है। और जो भी एक मांग है, जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार या फिर आपकी बात की जाए तो जो बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने इस तरह का प्रदर्शन का ऐलान किया गया था और इसी के चलते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का देखा जा सकता है। इसी के तौर पर लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस लाठी के चार्ज कर रही है। और यहाँ पर एक मिनट विपिन, यहाँ पर ये महिलाएं भी पहुंची हुई है और बहस करते हुए, और इसमें आप देख रहे हैं वाटर कैनन की बौछार हो रही है, इनको पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस भी साथ में मौजूद है क्योंकि काफी देर तक समझा रहे। सुनिए, बिल्कुल बड़ी संख्या में महिलाएं भी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा नेता भी है, बड़ी संख्या में महिलाओं को भी यहाँ पर पीछे हुआ और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की दिक्कत यहाँ पर है। कोशिश की जा रही है की यहाँ पर जो कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी तरह बैरिकेड को क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन यही कोशिश कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि वो अपनी बाबा जुटाए, अपनी बात उठाए। जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है, ये सीधा प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, महिलाएं कार्यकर्ता, महिलाओं को भी यहाँ पर पुलिस, महिला पुलिस वो यहाँ पर उठा के ले जाती नजर आ रही है। वाटर कैनन का बड़ा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर और सड़क पर लेट गए हैं अब यहाँ पर, वो भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता है, सड़क पर लेट चुके हैं लेकिन यहाँ पर कब से मत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बड़ा प्रदर्शन और खुद जो वीवी श्रीनिवास है वो अब भी बैरिकेड पर खड़े हुए हैं और यहाँ से उसको लगातार कोशिश कर रही है पुलिस, उनको हटाया जाने के लिए हटने का नाम नहीं ले रहा है।
और ये यहाँ के ताजा हालात बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ मैं कि ये स्थिति है कि बड़ा प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आ और पुलिस की वहाँ पर संख्या बल भी बड़ी तैनात की गई है। बॉर्डर गैस का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है और आंसू गैस के पहले भी गोले भी तैयार किए गए थे यहाँ पर। ऐसी नौबत आती है कि अगर प्रदर्शनकारी अपना बात यहाँ पर नहीं सुनते हैं तो उन पर वो भी स्थिति बल्कि उनको यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा हालात बता दूं आपको कि वाटर गैस का इस्तेमाल हुआ है। पुलिस ने लाठीचार्ज करके यहाँ पर ही कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को यहाँ से खदेड़ा है। ये हालात अभी के आपको दिखा रहा हूँ राजधानी भोपाल के। तो ये विपिन कहाँ जाने की कोशिश हो रही है कार्यकर्ताओं की? देखिए पूरी तैयारी थी, विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र में तैयारी है कि इसी सत्र के दौरान यहाँ पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लेकिन कल ही विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन तौर पर स्थगित कर दिया गया। इसके चलते अब जो कूच करने की तैयारी थी, वो सीएम हाउस का घेराव की तैयारी थी, उसी की तैयारी के चलते यहाँ पर कार्यकर्ता निकले हुए और उनको यहीं पर बैरिकेड करके पुलिस ने जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय है उसके ठीक सामने बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर उनको रोक दिया गया है। और इससे पहले प्रदर्शन से पहले खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर संबोधित किया। कांग्रेस के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, क्योंकि विधानसभा का सत्र कल ही यहाँ पर स्थगित हुआ है, तो तमाम जो विधायक है वे भी यहाँ पर मौजूद रहे और एक बड़ी सभा के बाद इस तरह का प्रदर्शन यहाँ कूच करने की तैयारी की गई। और ये आवाज है कि इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा प्रदर्शन मान बन के चलिए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता नेता यूथ कांग्रेस कांग्रेस के और खुद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पी वी श्रीनिवास के साथ साथ मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुशांत भूरिया तमाम विधायक यहाँ पर खुद प्रदर्शन में बैरिकेड पर पहुंचे और एक बड़ी यहाँ पर एक प्रदर्शन यहाँ पर माना जा रहा है। विपिन हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल पुलिस के लिए भी, क्योंकि ये यूथ कांग्रेस सड़क पर है, आज महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। ये वाटर कैनन की धार आप देखिए, यहाँ पर पुलिस वाले भी नहीं टिक पा रहे हैं। आखिरकार जब कुछ बचता नहीं है और जब भीड़ बढ़ती चली जाती है, बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की जा रही थी, तब जाकर आखिर में वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। लाठीचार्ज भी हुआ है और कई बार तो आप देख रहे हैं आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पानी की बौछार, दूसरी तरफ पुलिस से झड़प करते हुए यूथ कांग्रेस के ये तमाम कर्ता। विपिन नजर बनाए रखिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। ऐसे गोद में उठा उठा कर इनको वहां से दूर किया जा रहा है।